चेन्नई सुपर किंग्स ने बुधवार को बेहद रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के हीरो रहे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 34 गेंदों में नाबाद 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और हार के जबड़े से जीत छीन कर CSK को दिला दी। चेन्नई के सामने 206 रनों की विशाल चुनौती थी, उसके 74 रन पर 4 विकेट गिर गए थे और यहां से जीत के लिए 11 ओवर में 134 रनों की दरकार थी। CSK पर हार का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन धोनी कुछ और ही सोचा कर आए थे। उन्होंने जडेजा के आउट होते ही साथ ही खिलाड़ी रायुडू से कहा कि हर हाल में उन्हें मैच जीतना है। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। जिस समय धोनी आए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज उमेश यादव और युजवेंद्र चहल अपनी गेंदबाजी से कहर बरसा रहे थे, लेकिन धोनी ने स्वयं से काम लिया और अंत के ओवरों में RCB के गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का प्लान बनाया। रायडू और धोनी ने टीम की जिम्मेदारी ली और 5वें विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत के रास्ते पर बनाए रखा। आखिरी ओवर में चेन्नई को 16 रनों की दरकार थी। ड्वेन ब्रावो, नाबाद 14, ने आखिरी ओवर में एक चौका और एक छक्के के अलावा 1 रन लेकर स्ट्राइक धोनी को दी, जिन्होंने 4थी गेंद पर अपने चिरपरिचित अंदाज में शानदार छक्का जड़ टीम को जीत दिलाई।